नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का, जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट है, पहली यूनिट, उसके चैप्टर 5 के बारे में। ये इसका लास्ट चैप्टर है, इसके बाद में ये यूनिट समाप्त हो जाएगी, इसके पश्चात हम नई यूनिट शुरू करेंगे। और सबसे पहले आज दशहरे के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको नष्ट करें, और अच्छाइयां हैं उनको ग्रहण करें, और अपने आप से ये वादा और प्रण करें कि नेट का एग्ज़ाम जो है वो हम इस बार क्लियर करके रहेंगे। तभी ये जो दशहरा है इसका कुछ है कि हम अपने आप से प्रण करें। रावण को जला दिया और उसके बाद में फॉर्मेलिटी ख़त्म होगी कि हाँ मना लिया दशहरा। दशहरा होता है अपने आप से वादा करना, अपने आप से कोई प्रण करना कि हम जो ठानेंगे वो हम करके रहेंगे। और इस बार हमें ये प्रण लेना है कि हम 5 नवंबर के एग्ज़ाम में नेट का एग्ज़ाम क्रैक या क्लियर करके रहेंगे। आइए बात करते हैं मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम। ये चैप्टर 5 है, अध्याय 5 के बारे में बात करेंगे हम। देखिए, मूल्यांकन प्रणाली क्या है? नाम से क्लियर है मूल्यांकन कि हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य थे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने कौन कौन सी परिस्थितियाँ बनाई, और अंततया हमें उसके रिजल्ट मिले या नहीं मिले, वही होता है मूल्यांकन। जैसे मान लीजिए हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, 5 नवंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसके लिए पहले हमने उद्देश्य बनाया, टारगेट, कि कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक जो परिस्थितियाँ हैं वो कौन कौन सी होगी, जैसे मॉडल पेपर वगैरह, टेस्ट पेपर वगैरह, चीज़ों को इजी वे में समझाना, ये सब चीज़ें। और फिर बाद में फाइनल 5 नवंबर के एग्ज़ाम के बाद में हम मूल्यांकन करते हैं कि हमारे जो उद्देश्य बनाए थे वो किस हद तक सफल हुए हैं, किस हद तक कारगर हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी गेम है, तो जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट में कोई भी जो प्लेयर हैं वो पहले खेलते हैं, और जब फाइनली हार या जीत जो भी है उसके बाद में जो टीम जीती है उसका जो कैप्टन होता है वो भी, और जो टीम हारी है उसका कैप्टन भी, दोनों अपने अपने चीज़ों का मूल्यांकन करके बताते हैं। जीतने वाला भी कहता है कि हम क्यों जीते, हमने क्या अपने उद्देश्य निर्धारित किए थे, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम कितना सफल हुए, और आगे के लिए हमारे क्या प्रयास रहेंगे। हारने वाला है वो भी ये बताएगा कि हमारे उद्देश्य ये थे लेकिन हम सही सफल नहीं हो पाए, और आज हम हारे हैं, ये हमारे माइनस पॉइंट रहे हैं, अगले मैच में हम इन कमियों को दूर करेंगे। यही होता है मूल्यांकन। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, फैक्ट के हिसाब से। सबसे पहला है कि जो मूल्यांकन प्रणाली है ये क्या होता है, ये आपने समझ लिया क्या होता है। मेन इसका उद्देश्य क्या है कि हमारे जो प्रयास हैं किससे संबंधित, शिक्षण से संबंधित हमारे जो प्रयास हैं उसको प्राप्त करने में हम किस हद तक सफल हुए हैं, वही होता है मूल्यांकन करना। इस मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके मुख्यतः 3 बातें इसमें शामिल की जाती है। पहला, शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करना, हमारे जो शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। उपयुक्त परिस्थितियाँ, इस शिक्षण को सफल बनाने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, और मूल्यांकन के साधन, जो इवेल्यूशन सिस्टम है उसके हमारे साधन क्या क्या हैं, उपकरण या तकनीक कौन कौन सी है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले है शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करना। तो शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं, छात्रों में अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सर्जन शक्ति का विकास करना। देखिए, ये तो एक प्रकार से बुक की लैंग्वेज होती है, अगर हम वैसे भी समझ के देखें तो शिक्षण का उद्देश्य आखिर क्या होता है कि छात्रों का जो व्यवहार है उसको बदलना, परिवर्तित करना, अच्छे बिहेव जो हम चाहते हैं उसको सिंसियर ओबीडियंट बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, यही शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। और इसका मूल्यांकन क्या होता है कि छात्रों ने किस सीमा तक इन उद्देश्यों को ग्रहण किया है, किस सीमा तक वो इसको प्राप्त करने में सफल रहा है। उपयुक्त परिस्थितियां क्या होती है, ये शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित है। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि हमने जो शिक्षण पद्धति अपनाई वो विद्यार्थियों की क्षमता के अनुरूप है या नहीं है, उनकी रुचि के अनुरूप है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग विद्यार्थियों के अनुरूप शिक्षण करवाना, वही होती है उपयुक्त परिस्थितियाँ। जैसे मान लीजिए, अगर आपने कभी देखा हो कि जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन अगर मान लीजिए हमारे स्कूल या
यूनिवर्सिटी में कोई भी मुख्य अतिथि आए चीफ गेस्ट, और उस विद्यालय में ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी भाषी हैं, वो हिंदी समझते हैं, हिंदी जानते हैं या मारवाड़ी जानते हैं, लेकिन जो चीफ गेस्ट आए हैं वो इंग्लिश के अंदर बोल रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और चाहे वो कितना भी अच्छा स्पीच दे दें, क्या वो विद्यार्थी के समझ में आएगा, क्या वो लाभ उठा पाएगा उसका? नहीं। यही है कि जो शिक्षण होता है एक प्रकार से, वो शिक्षण विद्यार्थियों की क्षमता के अनुरूप हो, उनकी रुचि के अनुरूप हो, वो कैसा समझ सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसके अनुरूप हो। ये होती है उपयुक्त परिस्थितियाँ। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के साधन कौन कौन से हैं, उसके बाद में है मूल्यांकन की युक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए मुख्य रूप से दो युक्तियाँ प्रयोग की जाती है, एक तो है निरीक्षण प्रदान ऑब्जर्वेशनल, और दूसरी है परीक्षण प्रदान टेस्टिंग। देखिए, इनके नाम में ही इनका अर्थ छिपा हुआ है। ऑब्जर्व करना किस चीज़ का, विद्यार्थी का जो व्यवहार है मुख्य रूप से, एक प्रकार से समझिए जैसे इंटरव्यू है, सो उस विद्यार्थी का जो व्यवहार है, उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है, उससे संबंधित पहलुओं का जो मूल्यांकन करना, उसको देख करके कैसे, उसका बात करने का तरीका कैसा है, मौखिक अभिव्यक्ति कैसी है, निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, और इन चीज़ों को कैसे हम निकालते हैं, इंटरव्यू के द्वारा, साक्षात्कार द्वारा। जैसे मान लीजिए जब हमने बीए किया, ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन में जिसने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया है, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल के साथ साथ वाइवा वॉइस भी होता था। वाइवा होता था कि जैसे 10 नंबर का या 20 नंबर का वाइवा भी होगा। तो वो वाइवा क्या चीज़ है, वो यही है निरीक्षण प्रदान ऑब्जर्वेशन। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उस समय फाइनल एग्जाम में जैसे 90 नंबर का एग्जाम है और 10 नंबर का वाइवा रखा जाता है, तो उसका रखने का उद्देश्य ही यही होता है। उस वक्त शायद हमें कभी समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये हमारा वाइवा क्यों लेते हैं, मुझे भी नहीं आया था, मुझे भी लगता था आखिर ये क्या सुनते हैं हमसे। जब 90 नंबर का पेपर ले लिया तो इसी में 10 नंबर का और दे दो टेस्ट पेपर, लेकिन टीचर हमसे सुनता था अलग अलग सब्जेक्ट से, इसमें क्या हो सकता है, इसका उत्तर बताओ, क्या बताओ, तो जो भी चीज़ें हैं वो सब निरीक्षण प्रदान ऑब्जर्वेशन, विद्यार्थी के व्यवहार को देखने का तरीका, व्यवहार को समझने का तरीका, विद्यार्थी के अंदर किस हद तक परिवर्तन आया है, कैसा परिवर्तन आया है, उसका व्यक्तित्व में क्या चेंज हुआ है, ये सब आता है निरीक्षण प्रदान ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद में सेकेंड आता है परीक्षण प्रदान। परीक्षण प्रदान यही है, वो जो 90 नंबर का एग्ज़ाम है, रिटर्न पेपर टेस्ट ऑब्जेक्टिव, वही होता है परीक्षण प्रदान। इसके अंदर जो निरीक्षण प्रदान है, इसमें एक शिक्षक की मुख्य भूमिका रहती है, जबकि परीक्षण प्रदान में मुख्य भूमिका रहती है विद्यार्थी की। क्यों? क्योंकि टीचर को तो पेपर पकड़ाना है सिर्फ विद्यार्थी को। अब 2 घंटे का जो समय है, तो उसमें विद्यार्थी ही अपने ज्ञान का परीक्षण करके बताएगा कि उसको कितना आता है। जैसे टेस्ट पेपर हो गए, उसको क्वेश्चन वगैरह प्रश्नावली दे दिया, ये सब चीज़ों से संबंधित है। जैसे नेट का 5 नवंबर का जो एग्ज़ाम है, ये किस चीज़ का परीक्षण है, यह है परीक्षण प्रदान टेस्टिंग, उस चीज़ का है ये। और अगर मान लीजिए किसी आरएस का इंटरव्यू हो, तो आरएस के इंटरव्यू में जो मेंस होता है रिटर्न एग्जाम, वो तो होता है परीक्षण प्रदान, और जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू व्यक्तित्व का परीक्षण, वो होता है निरीक्षण प्रदान ऑब्जर्वेशन। तो ये दो मुख्य युक्तियाँ हैं। और उसके बाद में देखते हैं कि मूल्यांकन का महत्व क्या क्या है। तो देखिए, मूल्यांकन सबसे ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमें अगर आगे बढ़ना है तो इस मूल्यांकन तो हमें करना ही पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि हमारे शिक्षण के जो उद्देश्य थे, वो हमने किस सीमा तक उनको पूरा किया है, किस हद तक पूरा करने में सफल हो पाए हैं, जो माइनस पॉइंट या जो कमियां हमारे अंदर रही है, उन कमियों को दूर करके। और इसके साथ ही देखिएगा, जो भी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए जो शिक्षण है, इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए हमें नेक्स्ट ईयर हमें किस प्रकार से बेहतर तैयारी करनी है, उसके हिसाब से तो हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। चाहे वो किसी भी मैच हो, किसी भी टीम का, या कोई भी एग्ज़ाम हो, फाइनल है जो अंततया मूल्यांकन ज़रूरी होता है। इसके साथ ही देखेगा, ये आज का टॉपिक है, यह अध्याय समाप्त होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। और इससे पहले जो अनुसंधान अभिक्षमता वाला टॉपिक है, वो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, 5 चैप्टर उसके बनाए, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में
पैराग्राफ की जो यूनिट आती है, पैराग्राफ के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने, एक प्रकार से फ्री के नंबर होते हैं, लेकिन हल्की सी गलती हुई तो ये माइनस मार्किंग होने में, ये जो माइनस होने में समय नहीं लगता, तो वो सोल्व कीजिएगा। उसके साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए हैं। और अब ये जो यूनिट थी शिक्षण अभिक्षमता, ये यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ और उपयुक्त समय अनुसार उनको अपलोड कर दिया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी। जो भी मेरे हिसाब से मैं सबसे बेहतर जो चीज़ें कर सकता हूँ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्या हमारा उद्देश्य एग्ज़ाम में हमें 40 क्वेश्चन से ज़्यादा कैसे करने हैं, 50 में से 75-80 मार्क्स कैसे लेना है फर्स्ट पेपर में, मेन टारगेट ये है। इस टारगेट के लिए मुझे जो भी बेहतर तरीका करना पड़ेगा और जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा, क्या बेहतर हो सकता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा मैटर तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो तैयार हो रहे हैं, उपयुक्त समय अनुसार उनको अपलोड कर दिया जाएगा। आप मेरे साथ साथ मेहनत करते जाइएगा और इसके साथ ही देखिएगा, जो 10 यूनिट हैं तो आप खुद भी अपने स्तर पे भी उन चीज़ों को पढ़ते जाइएगा। जैसे कुछ यूनिट ऐसी है जिनमें सिर्फ थ्योरी है, जैसे कुछ समझाने लायक जैसा या वगैरह उनमें कुछ चीज़ें नहीं है, तो वो आप खुद पढ़ सकते हैं। जैसे 10वीं यूनिट है तो उसमें संविधान के टॉपिक हैं, राष्ट्रपति आएगा उसमें, और जैसे राज्यपाल है, RPSC है, वित्त आयोग है, तो कई ऐसे टॉपिक हैं, केग है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो कुछ ऐसे थ्योरी हैं जो कोई ज़्यादा, अगर एक दो बार हम उनको पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें आप साथ में खुद स्टडी करते रहिएगा और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।